बाजार में फाइनेंस कंपनी के आईपीओ ने काफ़ी अच्छा मुनाफा दिया हुआ है। पिछले अगर आईपीओ की बात करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ बाजार में आया था, जिसने लगभग 52% तक का यहां पर जो है वो लिस्टिंग गेन दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा बेहतरीन माना जाता है। इसी के साथ में SBFC फाइनेंस आईपीओ भी बाजार में आया था, जिसने 40-43% तक का जो है वो लिस्टिंग गेन यहाँ पर दे दिया था। इसके साथ में यहाँ पर एक और आया था इंडियन सेल्टर फाइनेंस आईपीओ भी बाजार में आया था, जो कि 25% तक का यहाँ पर लिस्टिंग गेन दिया था, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसी के साथ में कई आईपीओ फाइनेंस के आए थे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। ऐसे में यहाँ पर फाइनेंस बैंक का आईपीओ एक और बाजार में आ चुका है, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर आपको दे सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छा बदलाव देखने को मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ के बारे में। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ बाजार में आ चुका है। जानेंगे इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कौन से बाजार में कितना पैसा यहां पर कमा कर दे रही है, यानी कि कितने प्रॉफिट में है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम में कितना बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी अच्छी हलचल यहां पर देखने को मिली है। इसी के साथ में यहां पर कंपनी को लेकर बड़ी खबर भी है, उसे भी हम जानेंगे। अगर आप भी इस आईपीओ में निवेश करने वाले हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ में आप सभी से निवेदन है कि जिस वीडियो को आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, उसे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस जो व्हाट्सएप चैनल है उसे फॉलो कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आईपीओ की अपडेट वगैरह जो है वो सबसे पहले आपको इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाया करेगी। सबसे पहले जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट हो या किसी भी स्टॉक मार्केट की अपडेट हो, वो यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो इसे तुरंत ही जो है वो फॉलो कर ले। चलिए तो बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो यहां पर अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आईपीओ की ओपनिंग डेट जो है वो 7 फरवरी 2024 को है। 9 फरवरी 2024 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी कि आपके पास 3 दिन का समय रहेगा। फिर सोमवार को जो है वो 12 फरवरी को जो है वो बेसिक ऑफ अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद 13 फरवरी 2024 को जो है वो इनिशियली पैसे रिफंड हो जाएंगे, यानी कि जिन लोगों का अलॉटमेंट नहीं हुआ, 12 तारीख को जिन लोगों का अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा उनको जो है वो 13 फरवरी को पैसे रिफंड हो जाएंगे। और अगर जिन लोगों का अलॉटमेंट हो जाता है, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, उन्हें ये जो है वो शेयर मिल जाती है, तो उनका जो वो शेयर क्रेडिट भी उसी दिन यानी कि 13 फरवरी को जो वो डीमैट खाते में शेयर क्रेडिट हो जाएगी। और उसके अगले दिन यानी कि 14 फरवरी 2024 को होगी कंपनी की धमाकेदार लिस्टिंग। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आईपीओ लॉट साइज़ है, लॉट साइज़ कितना है वो बात कर लेते हैं। तो रिटेल निवेशक जो है वो एक लॉट होता है जिसमें 36 शेयर मिलेगी, जिसमें 14,904 रुपये आपको निवेश करने होंगे, और मैक्सिमम लॉट 13 का होगा, उसमें 468 शेयर मिलेगी और 1,90,000 से ज़्यादा तक का निवेश इसमें करना होगा। SHNI वालों को मिनिमम 14 जो है लॉट लेने होते हैं, और मैक्सिमम 67 यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें 2,412 से ज़्यादा शेयर मिलते हैं। बी कैटेगरी वालों को 68 है और 2,448 जितने शेयर यहां पर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर 25% जो है वो प्रमोटर की होल्डिंग है, लेकिन इसके बाद जो है वो कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 25% जो है वो बहुत ही कम मानी जाती है, क्योंकि 50% से ज़्यादा अगर प्रमोटर की होल्डिंग होती है तो वो एक अच्छा बैंक माना जाता है, मतलब एक अच्छा स्टॉक माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करते हैं, तो इसमें एक ये नेगेटिव पॉइंट रह सकता है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें तो जिस तरीके से नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये बैंकिंग सुविधा यहाँ पर देती है अगर इंडिविजुअल के लिए, तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिपॉजिट, लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट, कार्ड्स जैसी सेवाएँ, एंटरप्राइज के लिए भी वही सेवा होगी, और NRI के बिल भी यहाँ पर सेवाएं मिलती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो कंपनी अलग अलग सर्विसेज यानी कि फाइनेंस की सर्विसेज यहाँ पर जो है वो कंपनी देती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल फंडामेंटल के बारे में कि कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके से है, तो यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल भी दिए गए हैं, वो जान लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें 31 मार्च 2021 के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग 72 करोड़ के आसपास था। उसके बाद 31 मार्च 2022 में प्रॉफिट में गिरावट आई, 17 करोड़ तक का जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला। इसके बाद अगर हम बात करें 31 मार्च 2023 की, तो कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली, लगभग 255 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला, 255 करोड़ से ज़्यादा तक का प्रॉफिट देखने को मिला। और अभी के सिर्फ 2 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 213 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर दिखा दिया, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है वो काफ़ी बेहतरीन है, और स्पेशली जो ये 2 क्वार्टरली में हुए ये काफ़ी बेहतरीन माना जा रहा है। वही अगर बात करें कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। और अगर हम बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो बोरोइंग बहुत ही कम रहा है, तो ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी बनती जा रही है। वही अगर बात करें कंपनी के बारे में और, तो यहाँ पर भारत का चौथा सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। 22 राज्यों में, 2 केंद्रशासित प्रदेशों में 754 बैंकिंग आउटलेट यहाँ पर कंपनी के पास है। लगभग 1.2 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों को सेवाएँ देता है, मुख्य रूप से व्यक्तिगत और सूक्ष्म व्यवसाय ऋण यानी कि लोन की सेवा यहाँ पर जो है वो कंपनी सबसे ज़्यादा देती है। तो इस तरीके से कंपनी का बिजनेस है। अब बात कर लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि भाई हम इसमें पैसा लगाए तो हमको कितना लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 110 रुपये तक पहुँच चुका है। 414 का IPO का जो है वो प्राइस है। यहाँ पर अगर लाइव GMP में देखें तो थोड़ा अलग होगा शायद से, क्योंकि यहाँ पर लाइव में भी अपडेट होता रहता है। तो अगर हम लाइव की बात करें तो लाइव में भी 110 रुपये तक है, यानी कि आपको 27-30% तक का लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहाँ पर बढ़ोतरी होती है तो आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हो, लंबे समय के लिए भी लगा सकते हो। उसके लिए आप फंडामेंटल जो है वो फंडामेंटल चेक करते रहे, अगर फंडामेंटल और भी अच्छे होते जा रहे, मजबूत हो रहे, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो। अभी हाल में अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम और बढ़ता है तो इसमें आप निवेश कर सकते हो। लिस्टिंग गेन के लिहाजे से यहाँ पर जो है वो आपको काफ़ी अच्छा पैसा जो है वो यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है।